फ्रेंड्स, यूट्यूब पर ग्रो होने का एक ऐसा तरीका मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। अगर आप इसे देख ले तो 100% आपका दिल खुश होने वाला है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जब हम यूट्यूब पर नए आते हैं ना तो हमारा टारगेट 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का ही होता है, ठीक है। अब हम 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करने के लिए या तो सब फॉर सब करते हैं या तो किसी थर्ड पार्टी चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ, जब आप ऐसे सब फॉर सब करते हो ना तो 100% जब आप 100 सब्सक्राइबर पहुँचोगे, आप देखोगे भाई 30 सब्सक्राइबर बचे हैं, मतलब घट गए। फिर वो 30 सब्सक्राइबर भी कुछ दिन बाद घट के 0 आ जाता है। तो अब यहाँ पर रीजन मैं आपको बताता हूँ ये ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब भी आप यूट्यूब पे सब फॉर सब करते हो, सब फॉर सब करने के बाद आप जब वीडियोस को अपलोड करते हो और वो वीडियोस जब लोगों के सामने जाती है ना, तो वो लोग जब देखते हैं यार बार बार इसका नोटिफिकेशन आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो क्या करते हैं, वो आपको अनसब्सक्राइब कर देते हैं। अब देखिए, क्योंकि वो वीडियो उनके कैटेगरीज पर नहीं होती है, वो जो है अलग कैटेगरीज पर उन वीडियोस होती है जो कि उनको नहीं पसंद आती है। ऐसे अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट वीडियोस की बात करें तो हर इंसान देखता है एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक है, सॉन्ग है, हर इंसान सुनता है, बट बहुत लोगों को म्यूज़िक भी नहीं पसंद आता है, बट एंटरटेनमेंट ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को पसंद आती है। अब मैं इन बातों को एक किनारे रखता हूँ, मैं सही बात कह रहा हूँ, जो मैं आपको तरीका बताऊँगा 100% उससे आपका चैनल ग्रो होगा। अब फ्रेंड्स देखिए, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट है कि टेलीग्राम पर फॉलोअर कैसे बढ़ाए, या किसी के इंटरेस्ट है कि वो यूट्यूब पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए या इंस्टाग्राम पर फॉलोअर कैसे बढ़ाए, तो अगर किसी का इन सब में इंटरेस्ट है और मान लीजिए मेरा चैनल है कुकिंग पर और मैं इन जैसों से सब फॉर सब करता हूँ, ठीक है, और फिर मेरी वीडियो उनके सामने अगर जाएगी तो वो मुझे अनसब्सक्राइब कर ही देंगे, क्योंकि कहेंगे यार फालतू वाली कुकिंग की वीडियो आ रही है, मुझे ये सब क्या, मेरी मम्मी खाना बनाती कि मैं बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो, ठीक है। हम अगर सब फॉर सब करते भी हैं, अगर हम मेहनत करते भी हैं, तो हम फालतू लोगों से सब्सक्राइब क्यों करवाएं जो बाद में अनसब्सक्राइब कर दें, ठीक है। हमें सब फॉर सब उसी से करना है जिस कैटेगरी में हमारा चैनल है, मतलब अगर मेरा चैनल कुकिंग पर है तो हमें सब फॉर सब उसी से करना है जिसका चैनल कुकिंग पर है। क्योंकि जब कुकिंग पर वीडियोस हम बनाते हैं, इसे मान के चलिए वो जब कुकिंग पर वीडियोस होती है, तो वो जो मान के चलिए कोई लेडीज है जो कुकिंग पर वीडियो बना रही है, अभी यूट्यूब पर भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस वो देखा करती है कुकिंग के ऊपर, ठीक है, और उसने बहुत सारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखा है। अब उसी में से अगर उसने आपके एक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और जब आप कुकिंग पर ही वीडियो डालोगे, तो वो जब आपकी वीडियो देखेगी भी, क्योंकि वो देखेगी कि मान लीजिए आपने बताया कि आइसक्रीम कैसे बनाए, ठीक है, अब उसको आइसक्रीम बनाना नहीं आता है, तो वो आपकी वीडियो को देखेगी कि भाई आइसक्रीम मैं कैसे बना सकती हूँ और मैं इसको अगली वीडियो में अपनी वीडियो में बताऊँगी। अब वो आपकी वीडियो को देखेगी, आपको वॉच टाइम भी मिलेगा और उसको आपकी वीडियो में इंटरेस्ट भी है, अगर उसे पसंद भी आ गई तो आपके चैनल को अनसब्सक्राइब भी नहीं करेगी, सब्सक्राइब रहने देगी। तो इस तरीके का फ्रेंड आपको यूज़ करना है, आपको किसी से भी अनसब्सक्राइब नहीं करवाना है, आपको इंटरेस्ट मतलब आपकी कैटेगरीज के ही लोगों को सब फॉर सब करना है, ठीक है, कोई भी फालतू लोगों से सब फॉर सब नहीं करना है। जैसे अगर आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो है आपको जो है ग्रुप देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, या चैनल्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर जो है कैटेगरीज वाइज सब फॉर सब होता है, तो आपको ऐसे सब फॉर सब करना है, 100% आपका सब्सक्राइबर भी नहीं घटेगा और आपका चैनल भी ग्रो होगा। तो जाए इसका